मऊगंज सिविल अस्पताल में समाजवाद की झलक, एक ही बिस्तर पर महिला और पुरुष मरीज। जिला तो बना लेकिन व्यवस्थाएं बीमार, एक बेड पर दो दो मरीज, आखिर कब सुधरेंगे हालात। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश का नवगठित जिला मऊगंज में लंबे समय से चिकित्सा व्यवस्था लाचार बनी है। भवन भी बनकर तैयार हो गया लेकिन व्यवस्था में सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। जिला घोषणा होने के बाद मऊगंज क्षेत्र की जनता को विकास की आस जगी और कुछ हद तक कर्मचारियों को भी पदस्थापना कर दी गई है, लेकिन व्यवस्था में अभी भी कमियां नजर आ रही हैं। भवन की माने या व्यवस्था की, जिसमें एक बेड पर दो दो मरीज भर्ती होने को मजबूर है। देखा जाए तो सुबह से शाम तक सिविल अस्पताल मऊगंज में मेला जैसे हालात बने हुए हैं। आइए बात करते विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरबी चौधरी ने इसके संबंध में क्या कुछ कहा। देखा जा रहा है एक एक बेड पर दो मरीज भर्ती है, इसके संबंध में क्या कहना सर आपको? अभी क्या है कि अपना हॉस्पिटल बिल्डिंग जो है अंदर कंस्ट्रक्शन है, जगह खुलासा भाव के कारण व्यवस्था वैकल्पिक करना पड़ता है, तो यही है अभी समस्या है। तो अब ये है कि 15 नवंबर तक अभी मीटिंग एजेंसी हुई है, जो निर्माण एजेंसी थी, 15 नवंबर तक कंप्लीट करने के लिए बोले हैं, काम चल रहा है। अब जब ये क्योंकि अब अभी सिविल अस्पताल है, फिर अब जिला होने का जिला अस्पताल भी होगा, उस हिसाब से इसका जो है तो भी सेटअप होगा। तो अभी थोड़ा जब तक अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं होता तो कोई समस्या है, पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है। ये है, क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर आरबी चौधरी।